परिसर का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ रह रहे अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान अधिकारियों ने तमाम तरह की जानकारियाँ मुहैया कराई। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। देखा, बड़ा साफ सुथरा है ये संस्थान जो आपने देखा अभी। सफाई व्यवस्था भी अच्छी है, कुछ हार्ट वार्मिंग चीज़ें हैं जो अच्छी लगी हमें। अक्सर हम कमियाँ ही ढूंढते रहते हैं वैसे तो, परंतु कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं जो मेरे संज्ञान में लाए हैं लोग यहाँ पे, जो शायद चंडीगढ़ में हेड ऑफिस लेवल पे कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। क्योंकि एक नया होम है तो वहाँ से कोई ग्रांट्स वगैरह आने में स्टाफिंग वगैरह की समस्याएँ हैं, तो वो हमने जानी है आज। और क्योंकि ये नई संस्था है, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट अभी नहीं आई है, तो कुछ सुविधाएं जो जैसे टीवी वगैरह बच्चों के मनोरंजन के लिए, कोई फ्रिज वगैरह, ये चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, तो उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे। चंडीगढ़ भी बड़े अफसरों से रिक्वेस्ट करेंगे और मैं समझता हूँ कि अगले 5-7-10 दिन में कुछ चीज़ें यहाँ बेहतर हो जाएंगी। बाकी तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। जहाँ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ से स्टडी मटेरियल वगैरह वो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी थोड़ा सा हैंडीकैप यही है कि चूँकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। अब किताब में पढ़ा के तो बच्चे को ये गाइड कर सकते हैं, हाउस मदर्स हैं यहाँ पे, वो अपना इतना पेंस ले सकती हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा यदि बेहतर हो जाए तो अच्छा है और उसी के लिए कोशिश करेंगे हम। कोविड के लिए करेंगे क्या?